हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, इट्स मी कृपराम के वंस अगेन विद यू टू रिव्यू एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। जैसे गाइस आप जानते हैं, हमारे दफा कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट लाता हूँ आज के साथ रिव्यू करने के लिए। तो आज बहुत ही कमाल का जेम लैंड के नाम से एक ब्लॉकचेन गेम का रिव्यू करने जा रहा हूँ आपके साथ। एंड तक वीडियो देखिएगा, ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। चलें आज का रिव्यू जो है स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही कमाल की गेम आने वाली है इन द फ्यूचर, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज जो प्रोजेक्ट है इसका नाम जेम लैंड है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्साइटिंग इकोनॉमिक ब्लॉक चेन गेम है जो कि वैक्स ब्लॉक चेन पे आ रही है। और यहाँ पे आपने करना क्या है, अपना रिसोर्सेज माइन करने हैं, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं और उसके बाद न्यू स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। और इस वर्ल्ड में अगर आप ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही कमाल होगा। शिप्स बिल्ड करनी है, उसके बाद लैंड ऑन करना है और उसके बाद प्ले एंड अर्न करना है। तो प्ले नाउ पे उस टाइम आप क्लिक करेंगे जब ये गेम मार्केट में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर थोड़ी इसकी हिस्ट्री दी हुई है, ये हिस्ट्री देख सकते हैं आप। आफ्टर ऑफ स्ट्राइफ इकोनॉमिक जो थी बहुत ही, मतलब के वार्स और डिसोसिएशन की वजह से बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो है एक जो है एग्रीमेंट तय पाया और जिसकी वजह से कुछ लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। ये एग्रीमेंट नॉट इवन फॉर द ईवल नेम ऑफ ईवल पे नहीं था। और इसके बाद जो है बहुत ही कमाल के इन्होंने न्यू स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्होंने अपने न्यू स्किल्स ली और ड्रैगन को जिन्होंने सिखा लिया, लर्न कर लिया ड्रैगन को कंट्रोल करना, तो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ थी और रिसोर्सेज को माइन करना और ढूंढने के लिए बहुत ही कमाल चीज़ थी। तो फैक्शन डिवेलप एंड लाइव इन अबंडेंस बट इट वॉन्ट ऑलवेज बी लाइक दिस। तो यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे इनके फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स में हीरोज़ हैं, हीरोज इज द मेन एनएफटी इन द गेम। दे आर यूज फॉर ट्रेड रिलेशन बिटवीन फैक्शंस एंड इफ दे हैव अ प्रोफेशन कैन माइन रिसोर्सेज। हीरोज प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द इन गेम करेंसी। तो यहाँ पे इनके टूल्स दिए हुए हैं, हीरोज के बाद टूल्स हैं। आपको जो है टूल्स की ज़रूरत होगी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और विदाउट रिसोर्सेज देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं होंगे तो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद ड्रैगन्स का फीचर होगा, ड्रैगन माइन द मोस्ट यूज रिसोर्सेज इन द गेम। तो इसमें जो ड्रैगन है बहुत ही कमाल का फीचर है, ये बहुत ही कमाल के जो है रिसोर्सेज को माइन करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद शिप्स हैं, शिप्स आपने बनानी है ट्रांसपोर्ट के लिए और आपने जो है इससे जो है सी क्रॉस करना है। और इसके बाद बट शिप ऑनर्स विल चार्ज आ ट्रांसपोर्ट फी, और इससे भी आप जो है अपनी बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं। इसके बाद लैंड्स हैं, लैंड्स में अलाउ यू टू रिसीव पैसिव इनकम फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑल द हीरोज एंड टूल्स। और यहाँ पे इसके बाद चूज़ योर अफेक्शन, फैक्शन में ईच फैक्शन माइंस इट्स ऑन टाइप ऑफ रिसोर्स। तो थ्री टाइप ऑफ फैक्शन हैं यहाँ पे, तो इनमें से जो आप चूज़ करेंगे तो वो अपनी जो है एक रिसोर्स माइन करने के एबिलिटी रखते हैं। चूज़ अ फैक्शन टू सूट योर पर्पस, आपको जो सूट करता है वही आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस माइन ह्यूमन कोइन इन ट्रेड रिलेशन, देयर बेस्ट एबिलिटी इज़ टू एक्सट्रैक्ट वुड। एल्व्स हैं, एल्व्स जो हैं माइन एल्व्स कॉइन इन ट्रेड रिलेशन, देयर बेस्ट एबिलिटी इज़ हंटिंग। तो ट्रेड रिलेशन में ये जो है माइन वगैरह करते हैं, हंटिंग ज़्यादा करते हैं। डिवेव्स हैं, ये जो डिवॉर्व्स हैं माइन डिवॉर्व्स कॉइन इन ट्रेड रिलेशन, देयर बेस्ट एबिलिटी इज़ गोल्ड माइनिंग। डिवॉर्व्स गोल्ड माइनिंग करते हैं, एल्व्स जो हैं हंटिंग करते हैं और ह्यूमंस वुड एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज़ योर टूल, आपने अपना जो है टूल सिलेक्ट करना है उसी लिहाज से। पिक एक्सल जो है आपको गोल्ड माइन में काम आएगा, एक्सिस जो है आपको एक्सट्रैक्ट वुड में काम आएंगी, बोस जो है आपको फूड गेट करने में काम आएंगी हंटिंग वगैरह में।
तो इसके बाद अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मैकेनिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। आवर टीम हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन NFT गेम्स एंड इन ऑल केसेस वी हैव एनालाइज्ड प्रोजेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। वी टुक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड केम अप विद बैलेंस्ड मैकेनिक्स विच विल अलाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर आवर प्लेयर। यहाँ पे आप इनका मैकेनिक्स देख सकते हैं, पूरा मैकेनिक्स आपको दिया हुआ है। हीरोज़ हैं, माइन है, इसके बाद कॉइन्स हैं, स्लॉट्स हैं, इसके बाद इसको आप कमीशन यूज़ करने में टेररिस्ट और शिप्स में। इस तरह आप जो है कॉइन्स को क्राफ्ट करके आप टूल्स और माइंस वगैरह और रिसोर्सेज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इनको आप जो प्रोफेशन में यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं को आप टूल्स माइन और रिसोर्सेज को जो है ड्रैगन माइन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। कोइंस को आप ड्रैगन्स और माइन में यूज़ कर सकते हैं, इनसे आप जेम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक मैकेनिक्स है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे आपको इन एडिशन देयर आर एक्स्ट्रा टोकन बर्निंग मैकेनिक दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन टू द गेम विद द न्यू अपडेट। तो अभी तक गेम नहीं आई तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है इनका रोड मैप मिल जाता है, जुलाई 2022, क्रिएटिंग NFT, क्रिएटिंग चैनल्स इन सोशल वेबसाइट रिलीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह अगस्त में जो है कोलेब्रेशन एंड पार्टनरशिप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गेटिंग वाइलिस्टेड ऑन एटॉमिक हब, सेलिंग पासेज। इस तरह बीटा टेस्ट, एग्रेसिव मार्केटिंग सितंबर में, करेक्टर एंड टूल सेल, शिप एंड मॉडिफायर सेल। इसी तरह आपको अक्टूबर में ड्रैगन सेल, लैंड सेल, गेम लॉन्च वगैरह। Q4 2022 में जो है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैकेनिक्स, लॉन्च ऑफ मोबाइल ऐप, न्यू बर्निंग मैकेनिक्स, न्यू गेम मोड्स अनाउंस प्लान्स फॉर 23। तो गाइज इसके बाद आप देख सकते हैं कि न्यू गेम मोड्स अनाउंसिंग प्लान्स और 23 में। और नेक्स्ट अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इनके सोशल लिंक्स मिल जाते हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और जो है यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम कम्युनिटी, एटॉमिक हब मिल जाता है। तो एटॉमिक हब हम देख लेते हैं इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक हब पे इनकी जो है कलेक्शंस हैं, इसको आप एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। तो यहाँ पे इनकी कलेक्शन जेमलैंड की आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉट NFTs हैं जो कि सेल के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे क्रिएटेड सितंबर 19 को हुआ, स्टैंडर्ड की है। इस तरह यहाँ पे आपको जो है जेमलैंड की जो है डायना मिल जाती है, एल्विन एल्विन है ये। और यहाँ पे आपको इसी तरह एल्विन में इमा मिल जाती है। इस तरह यहाँ पे आपको रिचर्ड मिल जाता है जो कि ह्यूमन है। इस तरह नेक्स्ट आपको और भी बहुत से कमाल से आपको ह्यूमन्स और एल्विन्स मिलते हैं। ये यहाँ पे आपको इनकी कलेक्शन मिल जाती है। इसी तरह टॉप सेल में यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप सेल इनकी जो है यहाँ पे जा रही हॉट कीज़ की। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे ही गेम लॉन्च होगी तो वो भी आप इसी के थ्रू, NFTs के थ्रू आप प्ले कर सकेंगे। यहाँ पे इनका वाइट पेपर भी दिया हुआ है, किसी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर ज़रूर रीड आउट किया करें क्योंकि उसके बारे में पूरी तफसील वहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप ट्विटर इनका देख सकते हैं, फॉलोअर्स आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी पूरी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन पोस्ट की 18 सितंबर की, हेलो जेमलैंडर्स, पास सेल विल टेक प्लेस ऑन 20 सितंबर। तो 20 सितंबर को टू वेव्स आ चुकी हैं फॉर पास सेल। 150 प्रीमियम कीज़ है $39 की, और यहाँ पे 200 स्टैंडर्ड कीज़ है $25 की। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपडेट्स इनकी और भी मिलती रहेंगी। तो आप देखते रहिए, यहाँ पे 20 सितंबर की पोस्ट की हुई है, यहाँ पे जो है की सेल रिमाइंडर नाउ 17 वेव 1 17। और यहाँ पे जो है पूरी तफसील आपको मिल जाती है और इनका लिंक भी मिल जाता है यहाँ पे। तो इनको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट इसकी अपडेट जैसे ही आएगी, गेम आएगी, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।